नमस्कार दोस्तों, द ओस्तवाल शो में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे पास यहाँ पर उपस्थित है पवन जी भंडारी, जो कि पुणे के बहुत नामचीन बिल्डर है, जिन्होंने 1600 से भी ज्यादा फ्लैट बेचे हैं, 15 लाख स्क्वायर फुट से भी ज्यादा का काम किया है, और उनका सबसे बड़ा नाम पुणे में चैरिटी के काम में है। काफी अच्छी चैरिटी भी वो करते हैं और उनकी लाइफ की स्टोरी भी बहुत सुनने लायक है दोस्तों। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच हमारा इनविटेशन स्वीकार करने के लिए, और मुझे लगता है आज का ये इंटरव्यू बहुत खास होगा। तो पवन जी, ज्यादा समय गवाते न गवाते हुए मैं आपको स्ट्रेट सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी ये जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है वो कैसे शुरू हुई, आप कैसे इस व्यवसाय में आए, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जरूर, मैं एक बात सबसे जरूर शेयर करना चाहता हूँ। रास्ता कोई भी हो, लेकिन आप जाते वहीं पर है जहां पर आपका मन, आपका माइंड, आपका जुनून आपको लेके जाता है। वैसे मेरा एजुकेशन हुआ है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बिजनेस में मैं जाऊंगा ऐसा मैं सोचता था। जब मेरा एजुकेशन पूरा हुआ, उसके बाद हमने कंप्यूटर में बिजनेस करना चालू किया। पहले एक साल मैंने कंप्यूटर का एक्सपीरियंस लिया एज ए जॉब करके, और फिर बहुत ही अच्छी तरह से हमने पुणे में एक सेटअप लगाया जिसमें हम कंप्यूटर्स बना के बेचते थे, बड़े बड़े टेंडर्स लेते थे। लेकिन जब हम ये काम करते हो, किसी बिल्डर्स को, किसी एडवोकेट्स को सप्लाई करते हो, मिलते थे, बात होती थी, तो अंदर से एक आवाज़ आती थी कि हमको भी कहीं पे वो खींचती थी कि हमको ये लाइन में जाना है। और एक समय ऐसा आया, ये काम करते करते एक मौका मिला, और उस मौके पे बोलते हैं ना, मौके पे चौका। तो वो टाइम पे किसी ने हमको आवाज़ दी कि एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है और आप इसको थोड़ा सा डेयरिंग करके ले सकते हैं। और उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉपर्टी ओवर बजट था, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी था, ऑक्शन था, तो हम बोले कि चलो एक शुरुआत करके देखते हैं। और एक बोलते हैं ना कि जहाँ चाहा है वहाँ राह है, उस तरह से हमने वो भर दिया ऑक्शन, और एक गुरुदेव के आशीर्वाद से हमको उसमें सक्सेस मिल गया और वो ऑक्शन में हमको प्रॉपर्टी मिल गई। अभी आगे क्या करना, लेकिन उसमें एक कॉन्फिडेंस इस तरह से आया कि ऑक्शन जिस टाइम पे लगा, उसके तुरंत 2 घंटे बाद मुझे लोगों के फ़ोन आने चालू हो गए कि ये प्रॉपर्टी हम तुमसे, जो तुमने एडवांस भरा उससे दुगनी ऑफर दे के तुमसे ले रहे हैं। और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हो ना हो ये सही राह है। और फिर हम उसमें एक मन में ठान ली कि इस प्रॉपर्टी को हम पूरी तरह से डेवलप करके ही बेचेंगे। और उस समय सही में हमारी परीक्षा थी कि जिसका EMD अमाउंट भरने के लिए हमारे पास पैसे कम थे, उसको पूरी तरह से भर के उसको डेवलप करना। लेकिन वही बात वापस आई, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और हमने किसी तरह से पूरे पैसे अरेंज करके उसको पोजीशन में लिया प्रॉपर्टी को, और उसको डेवलप करना चालू किया। और जैसे डेवलप करना चालू किया, वो समय भी ऐसा था कि जब माल का शॉर्टेज था, जैसे ही हमारा डेवलपिंग का काम चालू हुआ, लोगों की इंक्वायरीज बढ़ गई और हमको आगे कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रही, और हमारा पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ 1999 में। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मतलब पवन जी ने यहाँ जो बात कही कि आप जिसे, मतलब शाहरुख खान का भी एक डायलॉग मुझे यहाँ, शाहरुख खान का एक डायलॉग भी मुझे यहाँ याद आ रहा है कि अगर आप दिल से कोई चाहो तो कायनात भी आपको वहाँ तक पहुँचाती है, पूरी कायनात वाला पहुँचाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहूँगा कि आप जब भी जो काम करो उसमें जिस काम में आपका लगाव हो जाए, जो काम की आपको अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, तो उसे कनॉक करना या उसे हासिल करना कभी ना भूलिए। तो पवन जी, शॉर्ट में हमें एक चीज बताइए। वैसे तो हमारे जो व्यूअर्स है बहुत ज्यादा बड़े बिल्डर्स या कुछ नहीं रहेंगे, लेकिन जो बिल्डर्स कम्युनिटी है उनसे कैसे डील करें, और बिल्डर अगर किसी को बनना भी है तो उसने कौन से 2 या 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में, और जो आपने जर्नी में जो आपने फेस किया है उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये अगर जो बिल्डर से डील आपको कैसे करना है, तो सबसे बढ़िया बात आज के ज़माने में यह है कि
पूरी गवर्नमेंट अभी सब परचेसर्स लोगों के यानी खरीदारों के बारे में सोच के उनकी तरफ से उन्होंने लॉ बना दिए हैं, तो अगर कोई चाहे तो भी इतना फिल्टर हो गया है कि वो फंसा नहीं सकता। लेकिन आपको ये देखना है कि वो रेरा नंबर रजिस्टर्ड हो, फिर उसके बाद आ गया सेकंड पॉइंट उसके प्राइसिंग का, वो तो आपको ही आपके टर्म्स एंड कंडीशन के साथ डिसीजन देना है। पेमेंट टर्म्स आपके कैसे हैं, काम कितना हुआ है, उसके ऊपर प्राइसिंग होगा। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात, एक बात ज़रूर देखिए कि आप घर खरीदते वक्त हो सके उतना बड़ा घर आप लीजिए। कई लोगों का मुझे एक्सपीरियंस है कि वो भाई घर के बाद वाले जो खर्चे हैं, फर्नीचर है या उसको डेवलप करना है या और कुछ उनका एक्स वाई जेड रहता है, उसके लिए घर छोटा ले लेते हैं, उनका बजट कम करते हैं। लेकिन मैं आप सबको एक सजेशन देता हूँ कि बाकी का जो बाद में का जो आपका व्यू है, खर्चा है, उसको थोड़ा और लंबा ढकेलिए, लेकिन अभी घर लेते वक्त बड़ा घर लीजिए। तो यहाँ पर एक बात पवन जी ने बहुत ही सटीक कही है कि अगर आज की डेट में अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो जो बंदा 1 BHK लेने की सोच रहा है तो अगर उसने थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा के 2 BHK लीजिए। क्योंकि एक बात ज़रूर यहाँ पर मैं शेयर करूँगा कि बहुत से बार ऐसा होता है कि हम लोग एक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाते हैं, जहाँ पर भी हम घर लेते हैं तो हमारी बहुत सारी रिलेशनशिप होती है आजू बाजू वाले, जहाँ तक कि हमारा जो ग्रोसरी शॉप वाला होता है, हमारा जो धोबी है, तो सारी लोग तो रूट फिट हो जाते हैं। और जो एक सवाल मेरा था कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में भी अगर किसी को आना है और सपना देखना कोई बुरी बात नहीं होता, तो और लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए कौन सी 3 बातें का ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट? सर आपको मैं ये बताऊंगा धीरज भाई कि आपके अंदर से आपको ये आना चाहिए कि मुझे इस क्षेत्र में इसमें काम करना है। अगर वो आवाज आपके अंदर की है तो वो कोई भी हो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का हो, वो कंप्यूटर्स का हो सकता है, वो कोई ग्रोसरी का हो सकता है, जिसमें आपको अंदर की आवाज है कि मुझे ये करना है तो आप उसमें ज़रूर सक्सेस होते हैं। तो अपने पहले अंदर की आवाज़ सुनिए। फिर दूसरी बात, अगर आपको कंस्ट्रक्शन में ही आना है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट विषय, आपको एक्सपीरियंस चाहिए क्लियर प्रॉपर्टी परचेस करने का। ओके, तो मतलब 2 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रॉपर्टी सही रेट, लोकेशन और सही दाम में और क्लियर टाइटल लेनी चाहिए। दूसरी बात यह भी इम्पोर्टेंट है कि आपको उन लोगों के साथ डीलिंग भी आना चाहिए कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर काम करे। इसके अलावा मुझे लगता है कि थोड़ा कस्टमर का जो सेल्स के स्किल्स है या कस्टमर को आइडेंटिफाई करके उसे उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है, yes, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसा मैं बोला आपको कि उस तरह से आप आर्किटेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स रखिए कि जो आर्किटेक्ट्स आपको सही बताए कि ये एरिया में किस तरह के प्रॉपर्टी के फ्लैट्स होने चाहिए, वो डिसीजन अगर उनको देते हैं और आपको लेना है तो आपको खुद को सर्वे करना पड़ेगा कि अगर आप सही जगह पर वो एरिया सर्वे करके देखते हैं कि यार रेसिडेंशियल का कितनी ज़रूरत है, रेसिडेंशियल में भी क्या ज़रूरत है, 2 BHK, 3 BHK, रो हाउस, बंगलोज या फिर छोटे छोटे फ्लैट्स। नहीं तो मैंने ऐसे भी कोई एक्सपीरियंस देखे है कि एक बोलते हैं कि जहाँ पर लोगों का बजट 1 BHK का नहीं है वहाँ पर उन्होंने 4 BHK फ्लैट्स बना के फिर 6-6 साल 8-8 साल लेके बैठे, भाई बेचने हैं। तो आपको ये सर्वे करना ज़रूरी है, इसलिए ये दूसरी बात भी आगे की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन का फील्ड है ये ऐसा है कि इसमें कोई अकेला आदमी काम नहीं कर सकता, इसको सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। Exactly. और जब आप सबको साथ लेते हैं तो वो जो आपके साथ वाले हैं वो ज़रूर है कि वो आपको प्रमोट करे, आपका साथ देना कि आपका पैर खींचे। तो उसके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप आगे जब बढ़ते हो तो किसको साथ लेके चलते हो। तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हो रहा है पवन जी, और मुझे लगता है कि समय की नज़ाकत को देखते हुए मैं आपको आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे जो जनरल व्यूअर्स हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस या क्या सलाह हो सकती है? जी जनरल में मैं सबसे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में आप कोई भी काम करो वो इस तरह से करो कि भाई आपका पूरा तन मन धन उसमें लग जाए, और वो काम करते वक्त आप ऐसा भी सोचो कि अगर मैं ना रहूं तो उन लोगों को भी बुरा लगना चाहिए कि वो सोचे अरे यार ये आदमी चाहिए था। अपना कार्य इस तरह से करो कि बाजू वाले को बुरा लगे यार ये क्यों नहीं रहा।
तो मैं आप सब सबको यही कहूँगा, एक चैरिटी का काम या रोज एक ऐसा काम करो जिससे आपके दिल को सुकून मिले। वाह, बहुत ही बढ़िया बात कही है पवन जी ने। तो मुझे लगता है लास्ट टेक अवे जो है बहुत ही सुंदर है कि अगर आप इस दुनिया में आए हो तो एक चैरिटी का काम जरूर करके जाइए जिससे दुनिया आपको याद रखे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी यहाँ आने के लिए, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। हम आपको आपके पास वो सारे सवाल लेके आएंगे, तो आपके जो भी सवाल पवन जी के लिए रहेंगे, इंडस्ट्री के बारे में रहेंगे, फ्लैट लेने के बारे में रहेंगे, तो पवन जी हमारे लिए आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। और जितने भी आपके दोस्त है वो जो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। और थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।